हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द शिफ्ट अलाउंसेस जो आईटी कंपनीज में आपको मिलते हैं। जो अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट होती हैं, लाइक मॉर्निंग शिफ्ट होती है आपकी, एक यूके शिफ्ट होती है, एक आपकी होती है नाइट शिफ्ट। तो हर एक शिफ्ट का अलग अलग पैसा होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपको कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, यूके शिफ्ट में कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, नाइट शिफ्ट में कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक शिफ्ट में अलग अलग पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं कवर करने वाला हूँ आपको रिगार्डिंग द इन्फोसिस के। अगर आप इन्फोसिस का पार्ट हो तो आपको कितना शिफ्ट अलाउंसेस मिलने वाला है हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हर एक कंपनी का शिफ्ट अलाउंस रहता है फ्रेंड्स, लगभग सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस इतना दे रही है तो आपका एक्सेंचर में है या फिर कॉग्निट में तो डबल रहेगा या ट्रिपल रहेगा या फिर उसका हाफ रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 150 रुपए का इधर उधर माइनर डिफरेंस हो सकता है, बट जनरली सेम रहता है हर जगह। मतलब अगर आप एक्सेंचर में हो या फिर आप एमडॉक्स में हो या फिर आप विप्रो में, तो जो मैं यहाँ पर आपको इन्फोसिस का डेटा बताने वाला हूँ बिल्कुल सेम रहने वाला है। थोड़ा सा बस 19-20 का फर्क हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि शिफ्ट अलाउंसेज जो आपको मिलते हैं हर एक शिफ्ट में कितना क्या पैसा मिलेगा और उनकी टाइमिंग क्या क्या रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट से। जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है फ्रेंड्स, वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है 5:30 AM। 5:30 AM से अगर आप 9 आवर्स जोड़ेंगे इसमें फ्रेंड्स, तो हो जाता है आपका 2:30 PM। तो 5:30 से आपका होगा 2:30 PM तक, जो ऑफिशियल होता है इन्फोसिस में वो बता रहा हूँ। जो इन्फोसिस में होता है वही सब जगह होता है, क्योंकि ये कंपनी के स्टैंडर्ड बने होते हैं। जैसे आपको पता है कि नॉर्मल शिफ्ट टाइमिंग क्या होती है, किसी शिफ्ट में अगर आप काम नहीं करते हो, नॉर्मल जो टाइमिंग रहती है, वर्किंग आवर्स जो रहते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स 9 AM to 6 PM। तो जैसा इन्फोसिस में है वैसे ही हर एक कंपनी में। तो सिमिलरली जो यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट है इन्फोसिस में, जो यूके शिफ्ट है इन्फोसिस में, जो नाइट शिफ्ट है इन्फोसिस में, वही सारी कंपनीज में फॉलो होता है। मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं आईटी कंपनीज के लिए, तो वही सब जगह फॉलो होते हैं। चाहे आप टीसीएस में हो, विप्रो में हो, कहीं पर भी आप काम करते हो तो सेम टाइमिंग आपका होने वाला है। पैसे का मैंने आपको बोला कि थोड़ा बहुत अलाउंसेस आपका 19-20 हो सकता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने टाइमिंग आपको बता दिया फ्रेंड्स, 5:30 AM अर्ली, और यहाँ पे आपका खत्म होने वाला है 2:30 PM तक। फ्रेंड्स, जो यूके शिफ्ट स्टार्ट होती है वो होती है 1 घंटे पहले आपका मॉर्निंग शिफ्ट खत्म होने के। तो मॉर्निंग शिफ्ट आपका खत्म होता है फ्रेंड्स 2:30 PM पर। तो 2:30 PM के 1 घंटे पहले की अगर अपन बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 1:30। तो 1:30 PM से आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, और वो चलेगा 10:30 PM तक। अगर 1:30 में अगर आप ऐड करेंगे और 9 घंटे आपको ऐड करना है तो हो जाएगा 10:30। तो 10:30 PM पे आपका यूके शिफ्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके 1 घंटे पहले आपका हो जाएगा नाइट शिफ्ट स्टार्ट। तो मतलब 9:30 से आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे नाइट शिफ्ट, और 9:30 से वो चलेगा आपका 6:30 मॉर्निंग तक। तो 9 घंटे उसमें अगर आप ऐड करेंगे तो 6:30 मॉर्निंग तक आपको नाइट शिफ्ट यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब तो था टाइमिंग के बारे में। बात कर लेते हैं यहाँ पर अलाउंसेस के बारे में कि आपको कितना क्या पैसा मिलने वाला है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट की। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपको पैसा मिलता है फ्रेंड्स, वो मिलता है 250 रुपीज। एग्जैक्ट अमाउंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, 250 रुपीज आपको मिलने वाला है अगर आप पार्ट है इन्फोसिस का। अगर आप किसी और कंपनी का पार्ट है, किसी और एमएनसी के या फिर स्टार्टअप के या फिर किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अगर आप पार्ट है, तो उसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। बाकी आप जनरली मान के चलिए अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं तो आपको 250 रुपीज यहाँ पर मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं यूके शिफ्ट की। तो यूके शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट दोनों का अलाउंसेस सेम होता है, तो यूके शिफ्ट में भी आपको 250 रुपए ही मिलेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नाइट शिफ्ट की। तो नाइट शिफ्ट में थोड़ा सा अलाउंस आपका ज्यादा रहता है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा रहता है, वो मिलता है फ्रेंड्स आपको 400 रुपीज। तो अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो, अगर 1 महीने अगर आपने 22 दिन काम कर लिए, तो 2288 8,500 रुपये समथिंग आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है एक्स्ट्रा, जो आपकी सैलरी रहती है उसके अलावा। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो अलाउंसेस रहते हैं ये आपके सीटीसी के अलावा रहते हैं। सीटीसी में मेंशन नहीं होता है आपका नाइट शिफ्ट या फिर यूके शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट अलाउंस। तो अगर आप भी इन्हीं शिफ्ट में से किसी शिफ्ट में काम करते हो, अगर आपको अभी तक भी कोई अलाउंसेस नहीं मिले, तो आप अपनी कंपनी में बात कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि यार मैं तो मतलब मैनेजर से बोल सकते हो कि सर मैं इस शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, नाइट शिफ्ट में काम कर रहा हूँ या फिर यूके शिफ्ट में काम कर रहा हूँ और मुझे अलाउंसेस नहीं आ रहे हैं। तो वो आपके लिए वो नाइट शिफ्ट अलाउंसेस रहते हैं जो बैकएंड से स्टार्ट करवानी पड़ती है, कोई एक पर्टिकुलर टीम रहती है तो उनको बोलना पड़ता है। और वो जो आपकी टाइम सीट रहती है फ्रेंड्स, जिस शिफ्ट में आप काम कर रहे हो वो भी आपकी उसी शिफ्ट के रिगार्डिंग भरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो नाइट शिफ्ट में, आप टाइमिंग भर रहे हो कि मैंने 9 से 6 बजे तक ही काम किया, तो ऐसा नहीं। आपको नाइट शिफ्ट का ही टाइमिंग बनना पड़ेगा। तो वहां से वो बैकएंड से वैल्यूज निकाल लेते हैं कि आपने ट्रू टाइम वगैरह, मतलब आपका जो वर्किंग आवर्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके बेसिस पे आपको पैसा आपका एलोकेट हो जाता है। मंथली सैलरी के साथ ये आपका क्रेडिट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि शिफ्ट किस किस प्रोजेक्ट में होती है, किसके लिए हो सकती है। तो जनरली जो शिफ्ट होती है फ्रेंड्स, वो होती है सपोर्ट प्रोजेक्ट में। तो अगर आप सपोर्ट टीम का पार्ट है फ्रेंड्स, तो जनरली उसमें शिफ्ट होंगी। ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट सपोर्ट का है तो उसमें शिफ्ट होंगी ही होगी, बट जनरली अगर आप देखेंगे तो हर एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में आपकी शिफ्ट होनी ही वाली है। तो हो सकता है कि आपकी टीम में 10 लोग हैं तो कुछ लोगों को यूके शिफ्ट में अलोकेट कर दिया गया हो,
कुछ लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट में, कुछ लोगों को नाइट शिफ्ट में, और इसमें भी रोटेशन चलता रहता है, अल्टरनेटिव असाइन करते रहते हैं। एक वीक हो सकता है कि तुमको मॉर्निंग शिफ्ट में डाल दिया, एक वीक हो सकता है यूके शिफ्ट में, एक वीक आपको डाल दिया नाइट शिफ्ट में, कुछ भी हो सकता है। या फिर मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं कि ओके जैन का मंथ है और आप इसमें मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेंगे, नेक्स्ट मंथ आप यूके शिफ्ट में काम करेंगे, इस तरीके से भी वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट लीड, जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, या फिर जो मैनेजर रहता है जो टाइम टेबल वगैरह पहले से वो बना के रखते हैं, 1-2 महीने का बना देते हैं कि आप इस महीने ऐसे ऐसे काम करेंगे, इस वाली शिफ्ट में काम करेंगे। तो वो मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके मैनेजर से कैसे साथ रिलेशन है आपके उससे बनते, तो आप उसको बोल सकते हो कि मुझे नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना है, या फिर मुझे नाइट शिफ्ट में काम करना है क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा मिलता है, आप जाग सकते हो रात को। तो उस तरीके से आप यहाँ पर मैनेजर से बातचीत कर सकते हो और अपने आप को एलोकेट भी करा सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को डाउट होता है कि क्या गर्ल्स को नाइट शिफ्ट में काम करने मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल मिलता है। और मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नाइट शिफ्ट में गर्ल्स को काम करने नहीं मिलता है, मतलब उनको अलाउ नहीं करती है कंपनी कि आप नाइट शिफ्ट में काम नहीं करोगे। ये फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर प्रोजेक्ट में सपोज आप मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोग में से एक लड़का है केवल और 9 लड़कियां, सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का है तो उसको हर वक्त ही नाइट शिफ्ट दी जाएगी, वो तो पागल हो जाएगा यार नाइट शिफ्ट में काम करने में। आप समझ रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस आपका पूरा डिस्टर्ब होने वाला है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन अगर फंस जाती है, तो उन केसेस में गर्ल्स को भी नाइट शिफ्ट में काम करने को मिलता है और उनको करना ही पड़ता है, उसमें मजबूरी रहती है। बाकी जनरली कंपनी अवॉइड करती है कि गर्ल्स को नाइट शिफ्ट ना दी जाए, और अगर गर्ल्स को नाइट शिफ्ट दी जाती है तो उसमें कैब वगैरह भी एलोकेट की जाती है कंपनी की तरफ से। और अभी तो क्या हो रहा है, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में भी मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और मेरे प्रोजेक्ट में जो सपोर्ट टीम है वो लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको बोला गया कि अगर आप आना चाहें तो वेलकम है, अदरवाइज आप घर से काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग तो घर से ही काम कर रहे हैं फ्रेंड। और मेरे प्रोजेक्ट में जो सपोर्ट टीम है उसमें काफी गर्ल्स हैं, और उन लोगों को ऐसा नहीं है कि आप नाइट शिफ्ट में काम नहीं करोगे। तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है फ्रेंड्स, तो गर्ल्स को भी नाइट शिफ्ट में काम करने मिल रहा है और वो लोग कर रही है। लेकिन जिस दिन से ऑफिस बुलाने लगेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा अलोकेशन कम कर दें गर्ल्स का नाइट शिफ्ट में, हो सकता है बंद कर दें कुछ, क्योंकि बॉयज में तो हो सकता है उनको बोले कि आप नाइट शिफ्ट में काम करोगे, आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम करोगे, इस तरीके से वो लोग डिवाइड कर सकते हैं। बट राइट नाउ सभी को ऐसा है कि आप गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हर एक शिफ्ट में काम करने को यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है अगर आपका, तो शिफ्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। डेवलपमेंट में जनरली शिफ्ट नहीं होती है जितना, मतलब अगर आप देखेंगे कि अगर आपके सपोर्ट प्रोजेक्ट है तो 90% केसेस में ये मान लीजिए कि आपकी शिफ्ट होने ही वाली है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कि आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, 90% केसेस, तो मैं कहूंगा 95% केसेस में आपकी शिफ्ट यहाँ पर नहीं होगी, तो नॉर्मल शिफ्ट में ही काम करते हैं। लेकिन जनरली डेवलपमेंट शिफ्ट में क्या होता है कि आपकी वीकली कॉल होती है क्लाइंट के साथ, जनरली ऐसा हो सकता है वाई वीकली कॉल होती है, मतलब वाई वीकली इन द सेंस 2 वीक में 1 बार, या वीकली मतलब वीक में 1 बार। अगर आपकी ऐसी कॉल कॉल होती है क्लाइंट के साथ कि रात को 9 बजे हो रही है, 9:30 बजे हो रही है, यूके क्लाइंट है या फिर यूएस क्लाइंट है, तो वो आप मैनेजर से डिस्कस कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि वीकली मेरी कॉल होती है और मैं यूके शिफ्ट में काम करता हूँ, तो उसका एक दिन का पैसा आपको जरूर मिलेगा फ्रेंड्स, वो आपकी मंथली सैलरी के साथ आपका क्रेडिट होगा। और ये हमारे साथ भी होता है, मैं भी काम करता हूँ थर्सडे मेरी कॉल होती है बिजनेस के साथ, और मैं यूके शिफ्ट में काम करता हूँ केवल थर्सडे को वीक में, तो जनरली 4 से 5 दिन काम करता हूँ मंथ में, तो उसका पैसा मुझे क्रेडिट होता है अलग से सैलरी के साथ। तो वो आपको बोलना पड़ता है मैनेजर को, वो जो टाइम शीट रहती है फ्रेंड्स वो भी आपको यूके शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही भरनी होती है। ऐसे नहीं है आपने नॉर्मल शिफ्ट भर दिया 9 से 6 तो आपको वो पैसा नहीं मिलने वाला, चाहे आपने नाइट शिफ्ट में भी काम क्यों ना किया हो। तो टाइम शीट भी आपकी सही भरी होनी चाहिए जिस टाइमिंग में आपने काम किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सारी थी डिटेल्स रिगार्डिंग द शिफ्ट अलाउंसेस एंड शिफ्ट टाइमिंग। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।